हेलो एवरीवन, स्वागत है हर घर फूड्स में। कैसे हैं आप लोग? तो मैंने लिया है आटा, गेहूं का आटा। तो 2 कटोरी गेहूं का आटा लेते हैं और फिर इसमें डालेंगे लगभग तीन चम्मच तक हम सफ़ेद तिल डालेंगे। तो 2 कटोरी आटा लिया था तो 1 कटोरी चीनी लेंगे और चीनी को पीस लेंगे। तो इसी में हम डालेंगे 4 से 5 हरी इलायची, इससे इसका स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। और इसे हम अच्छे से पाउडर बना लेते हैं पीस कर। तो ये देखिए, इसे हमने पीस लिया है। तो अभी इसी आटे में हम इसे मिलाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मीठा, खस्तेदार एकदम बनकर तैयार होगा। तो इसे मिक्स कर लिया है। तो अभी हमने लिया है घी, लगभग 4 से 5 चम्मच तक है। तो मोहन के लिए मैं घी यूज कर रही हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखिए घी को अच्छे से मिला लिया है। ये तो मोहन के लिए घी पर्याप्त है। तो अभी मैंने लिया है 1/2 कटोरी दूध। अगर आपके पास दूध नहीं है तो पानी से भी आटे को गूंथ सकते हैं। तो दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा करके आटे को हम गूंथ लेते हैं। तो ये देखिए आटा गूंथ लिए हैं, इसे ढककर छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। तो अभी इसे हम बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने रोल करके लिया है और इसे कट कर लेते हैं। तो मैं इसे पतला सा और थोड़ा तिरछा सा कट करके ले रही हूँ। आप जैसी मर्जी आपकी चौकोर गोल कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कट कर लिया, अभी थोड़ा सा इसे सेट कर लेंगे। तो आप इसे कभी भी बनाइए, खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया। तो ये तैयार है। तो अभी हम रखते हैं तेल गरम होने के लिए। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, चेक कर लेते हैं तेल को कितना गरम है। तो अभी ये फ्राई करने के लिए तेल पर्याप्त गर्म है। तो अभी इसमें हम डालेंगे एक एक करके फ्राई होने के लिए। तो एक एक करके डालेंगे और इसे आराम से पकने देंगे, क्योंकि इसे एक बार पकने में 4 से 5 मिनट लग जाता है। अगर आँच तेज़ करेंगे तो ऊपर से जल्दी जल जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा, इसलिए आँच धीमा रखें और इसे आराम से पकने दें। ज़्यादा उलट पलट ना करें, जब एक तरफ से अच्छे से सीख जाए तभी हम इसे दूसरी तरफ पलटें। तो एक तरफ से सीख गया है, इसे हम पलट देते हैं अच्छे से आराम से। तो आपका जब भी मीठा खाने का मन करे आप लोग इसे ज़रूर बनाकर खाइए। आटे से हमने बनाया है, आप चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये पक चुका है। ये देखिए कितना खस्तेदार दिख रहा है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से मैंने और भी जो बना के रखा है, मैंने थोड़ा गोल भी बनाया है और इस तरीके से भी बनाया है। तो इन सभी को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। आपको ये कैसे लगा बनाने का तरीका, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग बना कर खाइए, फिर बताइए आपको कैसा लगा। ये देखिए कितना खस्तेदार है। तो मैंने बनाया है आटे से, बहुत ही स्वादिष्ट है, मीठा है, खस्तेदार है, मुलायम भी है। तो आप लोग बनाइए और बताइए आपको कैसा लगा। और आप अब तक हमारे वीडियो में बने रहे, आपका धन्यवाद।